नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण सात विषय हिंदी पाठ नंबर बे हम भी बने महान। विद्यार्थी मित्रों, अगाउना वीडियो में आपणे आ पाठ में अलग अलग चार प्रसंग जोया हता, एना पछी अभ्यास की समझूती मेळवी हती। हवे आज आपणे स्वाध्याय की समझूती मेळवीशुं, बराबर। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्य में लिखिए। पहलू छे, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया, बराबर। पहला प्रसंग में आयु तो लड़के ने रोने का कारण यह बताया कि मेरी चवन्नी कहीं गुम हो गई है, अब मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। बीजू, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रीजू छे, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं, तो इस प्रसंग में नरेंद्र में कर्तव्य पालन, बराबर, प्रामाणिकता, मानवता आदि जे के गुण नजर आते हैं। चौथू छे, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया, तो द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्य उनकी ओर गए और उनको मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पांचवो छे, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था, तो अल्पाहार के समय टीम का कैप्टन नहीं दिखाई दे रहा था। छठू, सफलता के क्या क्या आधार है, तो सफलता के एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम ये सफलता के आधार है। सातवां, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई, तो हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती जलाई क्योंकि अब वो अपना निजी काम कर रहा था। हवे आगळ छे आठमू, हमारे पुरखों ने क्या कहा है, तो एम लखी शकाय कि हमारे पुरखों ने कहा है कि मा गृध कश्यस्वित धनम, एनो मतलब कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। हवे प्रश्न नंबर बे छे के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू छे, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा, तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि यह बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। बीजू, रानड़े को किसने रोका क्यों, तो रानड़े को स्वयं सेवक ने रोका क्योंकि उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। त्रीजू, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए, तो कैप्टन पूरी रात जागकर अविरत अभ्यास कर रहा था, ये देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। चौथू, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है, जब सभी लोग प्रामाणिकता से अपना काम करें तभी राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है। यह प्रश्न नंबर त्रण से कि उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए, तुम्हारे आम तमारी टेक्स्टबुक में आ रीते राउंड करवानो रहेशे, जे साचो जवाब होय ते वर्तुळ मारते डार्क करी देवानो छे। पहेलू, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया, शू आप्युं, अठ्ठनी, चवन्नी, शिवलिंग के रुपया, तो आपणे पाठमां जोयुं चवन्नी, तो अहींया चवन्नी वाला राउंड में तमारे डार्क करी देवानुं छे, अहींया सूचनामां आप्युं छे ए रीते। बीजू, समारोह के मुख्य अतिथि कोण थे, हजरत अली, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानड़े, तो शू आवशे, महादेव गोविंद रानड़े, तो अहीं डार्क कर देवानुं। स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था, निमंत्रण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड के ड्राइविंग लाइसेंस, तो शू आवे, निमंत्रण पत्र। चौथू, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, विश्राम गृह, भोजन कक्ष, मंच के सभागृह, शू आवे, मंच। पांचमो छे, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, कोच, मैनेजर, कप्तान के डॉक्टर, तो शू आवे, कप्तान।
तो आ विकल्पवाड़ा पांच प्रश्नों जवाब है ये तमारे टेक्स्टबुक में जो साचो जवाब है ये वर्तुण में डार्क करवा रहें। प्रश्न नंबर एक अने बे ये प्रश्नों जवाब हूँ तमने पीक मोकलीस कि तमारे तमारी नोटबुक में लखवाना रहें। हजू आगे जोईए प्रश्न नंबर चार अहीं पुस्तक में केटलाक शब्दों आप्या छे बराबर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनावानी छे अने ए परथी वाक्य बनावाना छे। तमारे वाक्य बनावाना नथी परीक्षा में वाक्य बनावानुं पूछे तो तमारे बनावाना रहेशे। जो कामयाबी तो एनो समानार्थी शब्द शुं थाय सफलता, जांच तो एनो समानार्थी शब्द परीक्षण, ख्याल तो एनो समानार्थी शब्द विचार, अमीर तो एमां आवशे धनवान, विख्यात तो एमां आवशे प्रसिद्ध अने नुकसान तो आवशे हानि। बराबर तो अहींया कुल छ समानार्थी शब्दों की जोड़ बनशे। एना पछी भाषा सत्ता में तमारे जाते वाँचवानुं रहेशे। भाषा सत्ता में मुख्यत्वे बे समजण आपी छे तमने विशेषण, एक परिमाणवाचक विशेषण अने बीजुं छे सार्वनामिक विशेषण। बराबर तो तमारे ए व्याख्याने खास याद राखवानी। छता पण एक टूंकमां हूँ तमने कही दऊं कि ज्यारे कोई शब्द कोई वस्तुनुं माप दर्शावे, बराबर कोई वस्तुनुं माप दर्शावे त्यारे एने शुं कहेवाय परिमाण। बराबर अने ज्यारे सर्वनाम संज्ञानी विशेषता दर्शावे त्यारे सार्वनामिक विशेषण बने। बराबर तमारे डिटेलमां अहींया उदाहरण आप्या छे तमारे तेमां ध्यानथी वाँचीने समझी लेवानुं रहेशे। तो अहीं आपणो पाठ नंबर बे पूर्ण थाय छे। तमारे आजना वीडियोने ध्यानथी सांभळ्या पछी तमारी हिंदी नोटबुकमां स्वाध्यायमां प्रश्न नंबर एक ना आठ जवाब अने प्रश्न नंबर बे ना चार जवाब जेनो पीक हूँ तमने मोकलीश ते लखवानुं रहेशे। प्रश्न नंबर चार समानार्थी शब्दनी जोड़ तमारे अहींयाथी जोईने बनावानी रहेशे। हवे आपणे नवा पाठनी समजूती नवा वीडियोमां मेळवीशुं। थैंक यू।